नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागौर जिले के खींवसर तहसील की। यह जगह थार रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर जोधपुर तथा नागौर नेशनल हाईवे 62 पर स्थित है। खींवसर एक ऐतिहासिक कस्बा है जो थार रेगिस्तान के मध्य स्थित है। खींवसर की स्थापना खिमजी नामक पवार शासक ने की थी। यह कस्बा नागौर से 45 किलोमीटर तथा जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। खींवसर के आसपास के प्रमुख गांव में लालवास, भावंडा, टांकला, कांटिया, बैरावास आते हैं। खींवसर एक विधानसभा क्षेत्र है। राजनीतिक दृष्टि से खींवसर राजस्थान की राजनीति का केंद्र रहा है। खींवसर तहसील जाट बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के जाटों ने भारत तथा राजस्थान की राजनीति में हमेशा से अपना वर्चस्व बनाए रखा है। खींवसर के अंदर एक किला स्थित है। यह किला लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। इस किले के अंदर जोधपुर के महाराजा राव जोधा की कई पीढ़ियां रही। मुगल बादशाह औरंगजेब भी काफी समय तक यहां रहे थे। इस किले को बनवाने का श्रेय राव जोधा के 8वें बेटे ठाकुर करम सिंह को जाता है। उन्होंने 1523 ईस्वी के आसपास इस शानदार किले का निर्माण करवाया। शुरुआत में यहाँ पर लोग ज्यादा नहीं रहते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के आते आते लोग यहाँ के वासी बन गए। पहले इसमें महिलाओं के लिए खास जगह बनाई गई, फिर यह जगह शाही परिवार का ठिकाना बन गया। ठाकुर ओंकार सिंह, जो ठाकुर करम सिंह के 17वें वंशज थे, उन्होंने 1940 में इस किले के अंदर अतिरिक्त शाही विंग का निर्माण करवाया, जहाँ पर शाही परिवार रहता है। खींवसर का किला राजस्थान के जोधपुर और नागौर के बीच में बनाया गया है, जो खुद में खास स्थल है। दूसरी चीजें जो इस किले को खास बनाती है वो है इस किले की वास्तुकला। इसमें खास किस्म की रेत तथा पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस किले को सुनहरे रंग की चमक देता है। किले का निर्माण 3 अलग अलग शैलियों, मध्ययुगीन वास्तुकला, मुगल शैली व अंग्रेजी शैली में किया गया है। किले के अंदर इस्लामिक, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है। किले के निर्माण में ज्यादातर संगमरमर का उपयोग किया गया है। वर्तमान में यह किला भारत की प्रमुख विरासत में से एक माना जाता है, जिसे अब एक आलीशान होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। यह किला 11 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। किले के अंदर तथा बाहर की हरियाली इस किले को बाकी किलों से अलग करती है। खींवसर के किले से थोड़ी ही दूरी पर सैंड ड्यून्स हैं, जहां पर विलेज स्टाइल में झोपड़ियां बनी हुई है, जहां पर पर्यटक रुक सकते हैं। साथ में फिल्म की शूटिंग के लिए इस जगह को किराए पर ले सकते हैं। सैंड ड्यून्स विलेज मुख्यतः शहर से 15 किलोमीटर दूर है, जहां पर ऊंट की सवारी करने पर आपके लिए यह जगह यादगार साबित हो सकती है। खींवसर का किला तथा खींवसर गांव यहां पर पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। कनेक्टिविटी की बात करें तो खींवसर का निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर का है, जो यहां से 92 किलोमीटर दूर है, तथा शहर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन नागौर का है, जो यहाँ से 42 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन खींवसर सड़क मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 62 पर स्थित होने के कारण यहाँ से लंबी दूरी की काफ़ी रोडवेज तथा प्राइवेट बसें चलती रहती है। यहाँ से बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर के लिए बसें ली जा सकती है। खींवसर का ज़्यादातर इलाका रेगिस्तानी है, जहाँ पर कृषि कार्य वर्षा जल पर आधारित है। मुख्य फसलें बाजरा, मूंग, मोठ तथा मसालों की खेती यहाँ होती है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी विषम है, जहाँ पर तुम्बा, आक और फोग तथा खेजड़ी जैसी मरुस्थलीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। खेजड़ी की पत्तियों का उपयोग यहाँ पर चारे के रूप में किया जाता है। खींवसर का पिन कोड 341025 है। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो खींवसर के बारे में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।